इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं, हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यू इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, और ए इज इक्वल टू दिया है 5, 9, 13, 15। ठीक है, और हमको पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे या हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट के सेट का जो एलिमेंट है, इसमें से एक एलिमेंट्स को हटा देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, 3, 7, 11, 15, no, 15 नहीं, 17, 17, 2, 3, 7, 11 और 17। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। तो ये हो गया हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको हम लोग ए डैश से दिखाते हैं। तो हमने क्या किया है, ए कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है या हटा दिया है, तो हमारा निकल गया है ए कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली में जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू माइनस ए। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी इजी है। हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है वो यू माइनस ए होता है। ठीक है, यू माइनस ए होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है, यू इज इक्वल टू दिया है, यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हम लोग का यू है,
यूनिवर्सल सेट और ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। और पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से एक एलिमेंट्स को माइनस करेंगे या हटा देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हटाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 हटाना है, 1, 3, 5, 7, 9 हटाएंगे तो बचेगा हम लोग के पास 2, 4, 6, 8 और 10, और ये हो जाएगा हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल है हमारा, दूसरा एग्जांपल दिया है इसमें, यू इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवेंथ, ऑफ क्लास इलेवेंथ, और ए दिया है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास इलेवेंथ, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हम लोग का यू जो है वो क्या है, पूरा क्लास इलेवेंथ है, और ए दिया है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, मतलब ए जो है वो सारी गर्ल्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यू में से मतलब पूरी क्लास में से सारी गर्ल्स को अगर माइनस कर दें तो सारे पॉइंट्स बच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, या ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास इलेवेंथ, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें दिया है u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ए इज इक्वल टू है 2, 3, एंड बी इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसमें पूछा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को निकालनी हैं, एंड हेंस सो दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, और इन सब को फाइंड करने के बाद ये शो करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पहले हम लोग निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, यू माइनस ए करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, यू में से ए को माइनस करना है मतलब 2 और 3 को हटाना है, तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 3 को हटा देंगे 4, 5, 6, 4, 5 और 6, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट तो यू में से बी को हटा देंगे, तो बी को हटाना है मतलब 3, 4, 5 को इसमें से हटाना है, ठीक है।
तो यू में से हटाएंगे 3, 4, 5 को, तो 1, 2, 3, 4, 5 को हटा देंगे 6, ये हो गया हम लोग का बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है मतलब कॉमन निकालना है, तो एक ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, 1 और 6 दोनों में है, तो मतलब 1 और 6 कॉमन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 6, ठीक है। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को एक जगह लिखना है या एक साथ लिखना है बिना रिपीट किए, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए में क्या है 2, 3 है, इसमें क्या है 3, 4, 5 है, तो ए में जो है, ए में है 2, 3 और बी में है 3, 4, 5, 3 हमने पहले लिख लिया है, 4, 5, ठीक है, ये हमने निकाल लिया ए यूनियन बी। अब हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग को ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से इसको माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा इस यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी को, हाँ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो क्या निकले, क्या बचेगा हमारे पास, ए यूनियन बी क्या निकला है 2, 3, 4, 5, तो यू में से 2, 3, 4, 5 को हटा देंगे, तो बचेगा क्या 1, 6, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से क्लियर है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, मतलब ये जो है इसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, 1, 6, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक वेन डायग्राम है, ये है यूनिवर्सल सेट और ये हमारा एक सबसेट है इसका ए, ठीक है। तो हमको रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमारा ए है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाएंगे, तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट ए को छोड़ के जितना भी पार्ट बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देते हैं या ए को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को इग्नोर कर दिया, तो ये जो साइडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो साइडेड पोर्शन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यू। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। दूसरा हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ, डी
डी मॉर्गन्स ला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछा भी जाता है। डी मॉर्गन्स ला क्या कहता है? पहला ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट है, इसके ऊपर से एक और कॉम्प्लीमेंट लग गया है तो ये किस इसकी वैल्यू जो होगी वो ए के ही बराबर होगी। चौथा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये कहता है कि फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू एंड यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज़। होमवर्क है एक्सरसाइज 1.5, होमवर्क है एक्सरसाइज 1.5, तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।